नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 23 नवंबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अगले साल मार्च तक राज्य के 32,000 वार्ड होंगे चकाचक। बिहार में फिल्म निर्माण क्षेत्र को भी मिलेगी उद्योग की तरह सब्सिडी। नीतीश सरकार का फरमान, पहले रिहैबिलिटेशन फिर वैकेशन। स्केलिंग और निगेटिव मार्किंग पर बीपीएससी लेगा अभ्यर्थियों की राय। भारत और न्यूजीलैंड T20 मैच में भारत ने 1-0 से जीता सीरीज। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आरआरसी वेस्ट सेंट्रल रेलवे ने 2,521 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। रेलवे रिक्वायरमेंट सेल वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर ने ट्रेड अप्रेंटिस के विभिन्न ट्रेड में कुल मिलाकर 2,521 रिक्तियों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी किया है। इन पदों के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को 50% मार्क्स के साथ मैट्रिकुलेशन पास होने के साथ ही रेलिवेंट ट्रेड में ITI नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट डिग्री भी पास होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 17 दिसंबर 2022 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट https://indianrailway.government.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। अगले साल मार्च तक राज्यों के 32,000 वार्ड होंगे चकाचक। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर लाइट योजना के तहत राज्य में मार्च 2023 तक 32,000 वार्डों में 3,20,000 सोलर लाइट लगाने का काम पूर्ण कर दिया जाएगा। वहीं अगले वित्तीय वर्ष 77,000 वार्ड में 7.70 लाख सोलर लाइट लगाई जाएंगी। बता दें कि इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा राशि जारी कर दी गई है। वहीं ऊर्जा विभाग की ओर से इस योजना को लेकर बैठक भी आयोजित की गई थी, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस योजना के लिए हमारे पास पर्याप्त राशि है और सोलर लाइट लगाने का कार्य पूरा करने के ये चयन सभी 10 एजेंसियां अपने लक्ष्य के अनुरूप कार्य कर रही है। इसके साथ ही सभी जिलाधिकारी एजेंसियों से एग्रीमेंट कर काम के अनुरूप बैंक गारंटी लेकर काम को पूरा करें। जानकारी के लिए बता दें कि बिजली के पोल पर 20 वॉट का सोलर लाइट लगाई जाएगी। वहीं हर वार्ड में 10 सोलर लाइट लगने हैं। वेणुवन नालंदा इस वजह से है बेहद खास। वेणुवन बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में स्थित बुद्ध से जुड़ा एक ऐतिहासिक उद्यान है। वेणुवन नालंदा उस समय मगध के राजा बिंबिसार द्वारा भगवान बुद्ध को उपहार में दिए गए पहले स्थानों में से एक माना जाता है। इस स्थान को बिंबिसार द्वारा बुद्ध को पहली उपहार जगह माना जाता है, जो उस समय मगध के राजा बिंबिसार द्वारा बुद्ध को मिला था। अंदर एक छोटा तालाब है जिसे करदंक टैंक के नाम से जाना जाता है। बिंबिसार एक बार पास की सरस्वती नदी में स्नान करते समय देरी हो गई और राजगीर शहर का गेट राजा के लिए भी बंद कर दिया गया। राजा ने इस बांस के बगीचे में बुद्ध की संगत में रात बिताई और इस तरह यह स्थान भक्तों के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं एक बड़ी कृत्रिम झील और एक बुद्ध मूर्ति कला जापानी द्वारा निर्मित झील के बगल में समर्पित है, जहां एक शांतिपूर्ण वातावरण का आनंद उठा सकते हैं। बिहार के 3 IAS और 1 IFS अधिकारी को मिली नई जिम्मेदारी। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार नीतीश सरकार के 3 IAS और 1 IFS के अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिनमें स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव कौशल कुमार, सहयोग समिति के निबंधक वैद्यनाथ यादव, पर्यावरण एवं वन विभाग के विशेष सचिव ओम प्रकाश यादव और भारतीय वन सेवा के अधिकारी आलोक कुमार शामिल हैं। इन सभी अधिकारियों के पद में प्रोन्नति कर कौशल कुमार को ICDS का निदेशक बनाया गया। वैद्यनाथ यादव को ग्रामीण कार्य विभाग के विशेष सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। ओम प्रकाश यादव को बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया और आलोक कुमार को उनकी सेवा पत्रिक विभाग पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को वापस की गई है। बिहार में फिल्म निर्माण क्षेत्र को भी मिलेगी उद्योग की तरह सब्सिडी। राज्य सरकार के द्वारा बिहार में फिल्म निर्माण को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है और एक नई पॉलिसी बनाई गई है, जिसके तहत अब फिल्म निर्माण क्षेत्र को भी उद्योग का दर्जा दिया जाएगा, ताकि इस क्षेत्र में लगे लोगों को भी सब्सिडी, सिंगल विंडो सिस्टम व दूसरी सुविधाओं का लाभ मिल सके। वहीं जल्द ही निर्माण किए गए इस पॉलिसी के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेज दिया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि इस पॉलिसी के तहत अगर कोई निर्माता बिहार में 75%
फिल्म की शूटिंग करता है तो उन्हें लागत के हिसाब से सब्सिडी उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अलावा सभी सब्सिडी का लाभ केवल हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका और बज्जिका भाषा में फिल्में बनाने वालों को ही दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रावधान के अनुसार अगर किसी फिल्म को राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया जाता है तो उन्हें अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। नीतीश सरकार का फरमान, पहले रिहैबिलिटेशन फिर वैकेशन। प्रदेश के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की समीक्षा में बिहार में एक बार फिर से बुलडोजर अभियान शुरू होने वाला है, लेकिन इससे पहले राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री आलोक कुमार के द्वारा बीते दिन मंगलवार को एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा गया कि बिहार सरकार के जारी फरमान के अनुसार अतिक्रमण करने के पहले पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि पहले रिहैबिलिटेशन फिर वैकेशन। दरअसल इस बार अगर अतिक्रमण हटाओ अभियान में अगर किसी ऐसे व्यक्ति का घर आता है जिसके पास रहने के लिए कोई दूसरा स्थान नहीं है तो सरकार की ओर से उसे बसने के लिए जमीन दी जाएगी। वहीं अब तक 1,700 लोगों को मुफ्त जमीन दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभियान जल जीवन हरियाली के तहत चलाया जाएगा। इसके तहत जल स्रोतों को कब्जा कर बनाए गए अवैध निर्माण को तोड़ दिया जाएगा। स्कैनिंग और निगेटिव मार्किंग पर बीपीएससी लेगा अभ्यर्थियों की राय। बीपीएससी 68वीं प्रारंभिक परीक्षा के लिए पंजीयन कराने की सूचना जारी कर दी गई है, जिसके तहत अभ्यर्थी 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर बीपीएससी की जारी की गई अधिसूचना के अनुसार बीपीएससी 68वीं में निगेटिव मार्किंग होना तय है। इसे लेकर आयोग की ओर से फॉर्म भरते समय छात्रों से राय लिए जाएंगे, जिसके तहत उम्मीदवार को 3 विकल्प दिए जाएंगे और उन्हीं तीनों विकल्पों में से अभ्यर्थी को किसी एक विकल्प का चयन करना होगा, जिसके बाद सर्वाधिक उम्मीदवारों द्वारा चुने गए विकल्प को परीक्षा में अपनाने को लेकर आयोग की परीक्षा समिति विमर्श करेगी और छात्रों से प्राप्त आवेदन करने के बाद परीक्षा के पैटर्न में शामिल किया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि आयोग की ओर से 281 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। सड़क हादसे रोकने को ब्लैक स्पॉट पर होगा काम। बिहार में बढ़ते सड़क हादसे को देखते हुए ब्लैक स्पॉट वाले स्थानों को चिन्हित कर दुर्घटना से बचने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं अगर जरूरी हुआ तो सड़क को और भी चौड़ा किया जा सकता है। दरअसल वैशाली के देसरी थाना क्षेत्र के 28 टोला के समीप कई लोग तेज रफ्तार ट्रक के नीचे आ गए थे, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी। इसी हादसे को देखते हुए और इससे सबक लेते हुए भविष्य में फिर ऐसी कोई घटना घटित न हो, इसके लिए सभी स्तर पर प्रयास किए जाएंगे। वहीं इन घटनाओं से बचने के लिए सड़क और परिवहन विभाग के अधिकारी आईजी ट्रैफिक के साथ मिलकर काम करेगी। कोसी त्रासदी के पुनर्वास परियोजना का बचा काम पूरा करेगी नीतीश सरकार। बीते दिन मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोसी पुनर्वास परियोजना की समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कोसी त्रासदी के पुनर्वास परियोजना के तहत कई काम किए जाएंगे, वहीं कई काम अभी भी बाकी हैं। उन सभी कामों को जल्द ही पूरा कर दिया जाएगा और इसके लिए जितनी भी संसाधन लगेगी सभी चीजें उपलब्ध करवाई जाएंगी। इस दौरान सीएम के समक्ष योजना एवं विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण चावला ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से बिहार कोसी बेसिन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों संबंध में विस्तृत जानकारी दी। इसके अलावा जल संसाधन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल समेत दूसरे विभाग के सचिवों के द्वारा अपने अपने विभागों द्वारा इस परियोजना के तहत किए जा रहे कार्यों की प्रगति के बारे में भी जानकारी दी। लेक्चरर व हेडमास्टर की नियुक्ति के लिए बीपीएससी ने जारी किया शेड्यूल। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा लेक्चरर व हेडमास्टर की नियुक्ति के लिए होने वाले इंटरव्यू शेड्यूल जारी कर दिया गया है। शेड्यूल के अनुसार इंटरव्यू की प्रक्रिया 28 नवंबर से शुरू की जाएगी, जो कि 3 दिसंबर तक चलेगी। वहीं इस इंटरव्यू का आयोजन 2 सेशन में किया जाएगा, जिसमें पहला सेशन की शुरुआत 10:30 बजे से की जाएगी और दूसरे सेशन की शुरुआत 2:30 बजे से की जाएगी। हालांकि अब तक इंटरव्यू सेशन के लिए एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया है, लेकिन मिली जानकारी के अनुसार आयोग जल्द ही एडमिट कार्ड अपनी वेबसाइट पर जारी कर सकता है। इंटरव्यू के दौरान प्रतिदिन 100 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की जाएगी। वहीं अभ्यर्थियों को सत्यापन के लिए मैट्रिक, इंटर, स्नातक और परास्नातक उत्तीर्णता के मूल प्रमाण पत्र व अंक पत्र के अलावा अन्य उच्चतर शैक्षणिक योग्यताओं से जुड़े प्रमाण पत्र जिनका आवेदन में उल्लेख किया गया है उसे लाना होगा। गोपालगंज के नवनिर्वाचित विधायकों ने ली शपथ। बीते दिन मंगलवार को मोकामा और गोपालगंज की सीट से जीतने वाली दोनों विधायकों आरजेडी की नीलम देवी और बीजेपी का परचम लहराने वाली कुसुम देवी को विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के द्वारा विधानसभा की सदस्यता दिलाई गई। इस दौरान दोनों के शपथ ग्रहण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा सहित कई अन्य मंत्रिमंडल के सदस्य उपस्थित रहे। जानकारी के लिए बता दें कि दोनों सीटों पर 3 नवंबर को चुनाव करवाया गया।
गया था। वहीं मोकामा में जहां राजद को जीत मिली थी, तो गोपालगंज में भाजपा को जीत हासिल हुई थी। बताते चले कि शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी समेत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और विजय सिन्हा ने दोनों विधायकों को सदन की सदस्यता ग्रहण करने पर शुभकामनाएं दी। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों ने किया हंगामा। बिहार में बीपीएससी 67वीं का रिजल्ट जारी किया गया है, जिसके बाद इस परीक्षा के रिजल्ट में हुए धांधली को लेकर अभ्यर्थी बीते दिन बीपीएससी कार्यालय पहुंचकर संशोधित रिजल्ट जारी करने को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही बीपीएससी परीक्षा की सीबीआई जांच कराने की भी मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि बीपीएससी 67वीं परीक्षा में मैनुअल तरीके से धांधली की गई है और इसके पीछे परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार का हाथ है, क्योंकि पेपर लिखने के समय भी वह आयोग में थे। इसके साथ ही इस परीक्षा में 6 से 7 सवाल ऐसे थे जो गलत है, इसलिए उनकी मांग है कि जो गलत सवाल थे उसे हटाकर कट ऑफ मार्क्स जारी करके एक्स्ट्रा रिजल्ट जारी किया जाए। उनकी मांग है कि संशोधित रिजल्ट जारी की जाए और रिजल्ट में गड़बड़ी और पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की जाए। बिहार में आज क्या रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में आज सुबह का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है। हवा, नमी और अन्य मौसम की स्थितियों जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए तापमान 15 डिग्री सेल्सियस जैसा महसूस हो सकता है। बिहार में सुबह हवा की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। वहीं बिहार में आज दोपहर के समय तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है और यह 29 डिग्री सेल्सियस जैसा महसूस होगा। 13 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा की गति के साथ आर्द्रता लगभग 24% रहेगी। इसके साथ ही शाम तक तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। बिहार में शाम के समय हवा की गति 14 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। वहीं अगर आज के रात के तापमान की बात की जाए तो रात का तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और हवा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। वहीं 48 घंटे बाद प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट होने की संभावना है। कूच बिहार ट्रॉफी में बिहार ने दर्ज की जीत। अहमदाबाद के गुजरात कॉलेज ग्राउंड पर संपन्न हुए कूच बिहार ट्रॉफी में बिहार ने मणिपुर को पारी व 332 रन से हराकर जीत अपने नाम दर्ज कर ली। बता दें कि इस मुकाबले में मणिपुर के द्वारा पहली पारी में कुल 155 रन बनाए गए थे, वहीं दूसरी पारी में 119 रन बनाए गए। इसके साथ ही अगर बिहार की बात करें तो बिहार ने पहली पारी में 4 विकेट पर 606 रन पर अपनी पारी घोषित कर दी थी। इसके साथ ही बिहार का अगला मुकाबला अब 26 नवंबर को पटना के मोनूल हक स्टेडियम में खेला जाएगा, जो विदर्भ के साथ खेला जाएगा। बिहार पंचायत उपचुनाव में 2682 पदों के लिए 1 फरवरी को होगा मतदान। बिहार पंचायत उपचुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। बता दें कि इस चुनाव में 2682 पदों के लिए चुनाव किया जा रहा है, जिसके लिए अधिसूचना 10 जनवरी 2023 में होगी। तो वही नामांकन की शुरुआत 11 जनवरी से हो रही है, जो कि 18 जनवरी 2023 तक चलेगी। बताते चले कि नामांकन पत्रों की जांच 21 जनवरी तक की जाएगी। वहीं वैसे प्रत्याशी जो अपना नाम वापस लेना चाहते हैं, वे 23 जनवरी तक चुनाव से अपना नाम वापस ले सकते हैं। जारी किए गए चुनावी कार्यक्रम के अनुसार इन पदों पर चुनाव 1 फरवरी को किया जाएगा और मतगणना 3 फरवरी 2023 को की जाएगी। पीएमसीएच में दिसंबर से एंजियोग्राफी व पेसमेकर लगाने की मिलेगी सुविधा। पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में करीब 3.5 करोड़ की कैथ लैब मशीन लगाई गई है, जिसके साथ ही अब अस्पताल में मरीजों के लिए तमाम सर्जिकल इंटरवेंशन की सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। वहीं एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, बीएमबी, सीआरटी, ब्लूरिंग आदि की सुविधा भी दिसंबर तक लोगों के लिए बहाल कर दी जाएगी। इसके लिए अस्पताल में कार्डियोलॉजी विभाग और 4 डीएम डिग्रीधारी विशेषज्ञ चिकित्सक भी नियुक्ति की जा चुकी है। फिलहाल बचे शेष कर्मियों की नियुक्ति अभी होनी है। बता दें कि पीएमसीएच में सभी चीजों की सुविधा मिल जाने से अब आईजीआईएमएस और आईजीआईसी पर मरीजों का लोड कम पड़ेगा और अब वहां मरीजों के कतारों में भी कमी आएगी। हालांकि मिली जानकारी के अनुसार पीएमसीएच में हार्ट के मरीजों को ये सभी सुविधा मुफ्त में दी जा सके, इसके लिए विचार विमर्श की प्रक्रिया चल रही है। जाने पटना में किन रूटों से चलेगी सीएनजी वाली 25 एसी बसें। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से जल्द ही पटना में 25 नए सीएनजी बसें चलाई जाएंगी, जिसकी खरीद हो चुकी है। बता दें कि फिलहाल इन बसों की पंजीयन और परमिट की प्रक्रिया चल रही है। वहीं उम्मीद की जा रही है कि इन बसों का परिचालन जनवरी से शुरू हो जाएगा। इन बसों का परिचालन पटना के जिन रूटों पर किया जाएगा उनमें कारगिल चौक से पटना साहिब, स्टेशन से फुलवारी, एम्स, एयरपोर्ट से गांधी मैदान, दानापुर से बाईपास, बिहार शरीफ और हाजीपुर रूट शामिल है। मिली जानकारी के अनुसार इस बस का न्यूनतम किराया 10 रूपए निर्धारित किया गया है। इन बसों पर कुल 32 सीटें होंगी, जिनमें से 65% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, वहीं बाकी बचे सीट पुरुषों के लिए होंगे। आरजेडी जनता दरबार में मंत्रियों ने सुनी शिकायतें।
बीते दिन मंगलवार आरजेडी की ओर से भी राजधानी पटना स्थित अपने कार्यालय में जनता दरबार लगाई गई, जिसमें राजद कोटे से बिहार सरकार में मंत्री आलोक मेहता और इसराइल मंसूरी लोगों की दिक्कतों को सुनने के लिए उपस्थित रहे। बता दें कि जनता दरबार में 2 बजे तक कुल 140 से अधिक लोगों के द्वारा निबंधन कराया गया। इस दौरान जनता दरबार में आने वाली सर्वाधिक मामले भूमि से जुड़ी रही, जिसका निवारण भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता के द्वारा त्वरित रूप से नहीं किया गया। वहीं सूचना एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े कम फरियादी जनता दरबार में आए। हालांकि आरजेडी के दोनों मंत्री किसी भी मसले पर किसी भी अधिकारी को इसके लिए निर्देश देने से बचते रहे। गुजरात चुनाव 2022 के लिए बिहार बीजेपी का बड़ा एक्शन। गुजरात में विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार की बीजेपी पार्टी ने रणनीति तैयार कर ली है। दरअसल गुजरात में 35 ऐसे विधानसभा सीट है जहां पर बिहारी मतदाताओं की दखल अच्छी खासी है। इसी को साधने के लिए बीजेपी के द्वारा बिहार के बीजेपी नेताओं की जिम्मेदारी तय की गई है, जिनमें महिला की भूमिका ज्यादा है। इसी को लेकर बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल के द्वारा कहा गया है कि बिहार के लोग बड़ी संख्या में गुजरात में रहते हैं और यही वजह है कि बिहार के नेताओं को गुजरात भेजा गया है। उन्होंने कहा कि गुजरात विधानसभा चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं गुजरात के बिहारी वोटर पूरी तरह बीजेपी के साथ है, इसलिए हमें वहां सफलता जरूर मिलेगी। इसके अलावा पार्टी के बड़े नेताओं को एक विधानसभा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये सभी नेता प्रवास के दौरान भ्रमण करेंगे और बिहारी मतदाताओं को समझाने की कोशिश करेंगे। प्रशांत किशोर का सीएम नीतीश पर हमला। एक बार फिर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया है। उन्होंने नीतीश कुमार, लालू यादव और तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कहा कि पहले बड़े भाई ने बिहार को 15 साल पीछे धकेला और अब चाचा भतीजा मिलकर बिहार को पीछे धकेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार विकसित नहीं हो सका, जिसकी जवाबदेही सिर्फ इन लोगों की है। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर कहा कि अब वे उम्रदराज व्यक्ति हो गए हैं, वे बोलना कुछ और चाहते हैं और बोलते कुछ और है। नीतीश कुमार ने कहा था कि प्रशांत किशोर को कुछ नहीं आता, तो आखिर उन्होंने अपने घर में मुझे 2 सालों तक क्यों रखा था। ये लोग अपनी नाकामी को छिपाने के लिए हमारे मन में बैठा दिया गया है कि इससे बेहतर बिहार नहीं बन सकता। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने किया बड़ा दावा। बीते दिन मंगलवार को मोकामा और गोपालगंज के नव निर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण में पहुंचे तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्र सरकार पर बिहार सरकार के कार्यों का अनुसरण करने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि जब बिहार की महागठबंधन सरकार की ओर से नियुक्ति पत्र बांटने की शुरुआत की गई, तब केंद्र की मोदी सरकार भी अब उसी तर्ज पर नियुक्ति पत्र बांटने की शुरुआत कर दी है। यह बिहार सरकार के कार्यों का अनुसरण है। इसके साथ उन्होंने केंद्र सरकार को रोजगार के मुद्दे पर फेल करार दिया है और कहा कि केंद्र सरकार को बताना चाहिए कि वे कितनी नौकरी दे रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कुर्नी उपचुनाव में प्रचार करने को लेकर कहा कि वे इस चुनाव में महागठबंधन प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रचार करेंगे और जल्द ही कुर्नी में प्रचार करने की तिथि जारी की जाएगी। सीबीएसई शुरू करेगा 5 नए कोर्स। नए सत्र 2023-24 से सीबीएसई 5 नए कोर्स की शुरुआत करने जा रहा है, जो कि 6ठी से लेकर 8वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए होंगे, जिनमें स्किल कोर्स जैसे ट्रैवल एंड टूरिज्म, मार्केटिंग, मीडिया, ब्यूटी एंड वेलनेस, डिजाइन थिंकिंग एंड इनोवेशन कोर्स शामिल होंगे, जिन्हें स्टूडेंट्स अन्य सब्जेक्ट के साथ पढ़ सकते हैं। इन सभी विषयों को शुरू करने के लिए सीबीएसई के द्वारा सभी स्कूलों को आदेश दे दिया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि इन विषयों पर प्रैक्टिकल भाग 35 अंक के और थ्योरी भाग 15 अंक के निर्धारित किए गए हैं। वहीं वैसे स्कूल जो 10वीं और 12वीं में अतिरिक्त विषय चलाना चाहते हैं, वे 30 नवंबर से 31 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बताते चले कि इससे पहले 6ठी से 8वीं के स्टूडेंट्स को फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई कराई जा रही थी। भारत और न्यूजीलैंड टी20 मैच में भारत ने 1-0 से जीता सीरीज। बीते दिन भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और आखिरी टी20 सीरीज मैच खेला गया, जहां न्यूजीलैंड के कप्तान टीम साउदी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और 19.4 ओवर में 160 रन की पारी खेली। जवाब में भारत ने 9 ओवर में 75 रन बना लिए थे, तभी बारिश ने अचानक मैच में खलल डाल दिया। वहीं DLS पार स्कोर के तहत भारत के द्वारा जरूरी 75 रन बना लिए गए थे। ऐसे में अंपायरों को मैच खत्म करना पड़ा और मैच को टाई घोषित कर दिया गया और इसी के साथ भारत के द्वारा 3 मैच की T20 सीरीज 1-0 से न्यूजीलैंड को हराकर अपने नाम कर लिया। जानकारी के लिए बता दें कि T20 सीरीज का पहला मैच बारिश की वजह से रद्द कर दिया गया था, वहीं दूसरे मैच में भारत ने 65 रन से अपने नाम जीत दर्ज किया था। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज।
भारत में 1983 में पहली बार राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता निराज सी चौधरी ने 1997 में अपने जीवन के 100 वर्ष पूरे किए। G20 की बैठक 2002 में नई दिल्ली में शुरू हुई। भारत में जन्मे प्रसिद्ध बांग्ला तथा अंग्रेजी लेखक और विद्वान नीरज चंद्र चौधरी का जन्म 1897 में हुआ। हिंदी दशक के प्रमुख यशस्वी कथाकार कृष्ण चंद्र का जन्म 1914 में हुआ। आध्यात्मिक गुरु साई बाबा का जन्म 1926 में हुआ। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका गीता दत्त का जन्म 1930 में हुआ। क्रांतिकारी लेखक इतिहासकार तथा पत्रकार सखाराम गणेश देउस्कर का निधन 1912 में हुआ। वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस का निधन 1937 में हुआ। संसद के लोकसभा सदस्य और संस्कृत के विद्वान साथ ही आर्य समाज के नेता के रूप में प्रसिद्ध प्रकाश वीर शास्त्री का निधन 1977 में हुआ। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री कन्या आशीर्वाद योजना के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री कन्या आशीर्वाद योजना के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि सरकारी गुरु नामक एक यूट्यूब चैनल की एक वीडियो में दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री कन्या आशीर्वाद योजना के तहत सभी बेटियों को 1,50,000 की राशि मिलेगी। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि ये दावे पूर्णतः फर्जी एवं तथ्यहीन है। केंद्र सरकार के द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है विणमानी सिंह, कुश कुमार यादव, रंजीत मिश्रा, रविशंकर, रविन्द्र पासवान, नुल्लू गोलू कुमार, शंकर मुखिया, सत्यम कुमार, पंकज कुमार दास, सदुल्लाह पलवी, प्रहलाद कुमार, कविता कुमारी, चंदन तिवारी, कुलदीप कुमार, मुकेश कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज के तीनों मैच में आपको किस खिलाड़ी का प्रदर्शन सबसे अच्छा लगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।